और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में और बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में। सो हे गाइस, आजकल का मौसम ना बड़ा ही तनाव भरा हो रखा है। जहाँ कोरोना से पूरे देश की लगी पड़ी है, वहीं पे ही खुशियां ढूंढते हुए कुछ थे स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स की खुशियां कैसे देखी जाए, तो उनकी चैन भरी जिंदगी को लेट करने के लिए रिजल्ट की डेट ही दे दी गई है। अब तक जो बच्चे दिन रात पबजी खेल के चिकन डिनर नोच रहे थे, अब वो मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन व्रत रख रहे हैं अच्छे परसेंटेज के लिए। और गलती से कहीं इनके 95 के ऊपर आ गए ना, तो कसम से कह रहा हूं भाई, राम रहीम को ये लोग भोग लगवा के आएंगे प्रसाद का। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि भाई कृष्णा एक बात बताओ। हाँ भाई बताओ। भाई अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे घर वाले क्या करेंगे? भाई हो ना हो, बंदे की बात में दम तो था। एक बार तो सबके अंदर सवाल आता ही है कि अगर मेरे कम नंबर आए तो घर वाले मेरी क्या हालत करेंगे। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ऐसे जानलेवा रिस्क लेने वाली सिर्फ एक ही प्रजाति है, और वो है प्रैंकस्टर। जो मैं तुम लोग को वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ना, उससे पहले मैं तुम्हें डिस्क्लेमर एक दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस करा गया है ना, वो सब एक्सपर्ट के द्वारा करा गया है। तो कृपया इसे घर पे ट्राई ना करें, वरना आपके हाथ से जायदाद जाने के 99.9% से भी ज्यादा चांसेस हैं। तो देखते हैं चल के यार कि बच्चे कैसे घर वालों का चूतिया काट रहे हैं। वीडियो में जंप करने से पहले ना, मैं तुम लोग को समझा देना चाहता हूँ कि इस प्रैंक में होता क्या है। यहाँ पे एक बुरी थूत का लड़का खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा, हे गाइस, मैं अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रैंक करने जा रहा हूँ। मैं पास हो गया हूँ, मगर मुझे दिखाना नहीं कि मैं पास हो गया, और जो भी होता है वो रिएक्शन आपको दिखाऊँ। चलो भाई। तो पहले लड़का जाएगा और अपने बाप के पास बैठेगा और कहेगा, हे डैडी, आपको पता है ना कि मैं थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था और मेरी ठीक से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, और यूट्यूब से मैं पैसे कमा रहा था और यूट्यूब में भी मेरा थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान था। तो इस बार मैं फेल हो गया। और फिर उसके बाद भाई बाप अपना रिएक्शन आराम से दिखा देते हैं। भाई शुरुआत कुछ इस तरीके की होगी, पहले तो तुम्हारा रिजल्ट तुम खुद चेक करोगे, अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारा कुछ इस तरीके का रिएक्शन होगा। भाई पास हो गया, भाई पास हो गया, पूरी सर पास हो गया, मैं परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है भाई? ओए ये तो मैं पास हो गया, भागो। उसके बाद जाके तुम अपने दोस्तों को अपना रिएक्शन दिखाओगे कि तुम्हारे कितने आए हैं, किसमें आए हैं और कैसे आए हैं। पूरे मार्क्स के साथ पूरी डिटेल दिखाएंगे, अच्छे आ गए ना सच्ची में? हाँ भाई बहुत बढ़िया आ गए। अबे इतना कौन खुश हो जाता है यार। मैं पास हो गया भाई, मैं रोक सो क्यों रहा है, उठ, मैं पास हो गया ब्रो, मैं पास हो गया, पार्टी चाहिए मेरे को। अच्छा तेरे को दूंगा मैं, चल ठीक है। फ्रीजर पास हो गया मैं, फ्रीजर पास हो गया मैं। फ्रीजर की गांड मार रखी है भाई इस लड़के ने। तो जैसे ही ब्रीजर को खबर पता लगी, तो ब्रीजर ने मुझे क्या बोला? अबे हट ना बोतल की बात। तो क्या करना भाई लोगों को? अबे लौड़े अपना काम कर। भाई ये बात रही तो इन छोटे नादानों बच्चों की, लेकिन अगर मैं बात करूं अधेड़ उम्र के आदमियों की, जो मतलब अब बच्चे तो कहलाने लायक ही नहीं है, माँ बाप ही बोले, लेकिन अपने लिए भाई वो आदमी बराबर हैं। अगर मैं उनकी बात करूं ना, वो भी इसी चूतिया पे में चले हुए हैं, लेकिन यहाँ फर्क देखो कुछ और ही है। आंटी ने जो बेरहमी से पहला है ना, क्या ही बताऊं? सीन यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। मम्मी मैं ऐसा है ना कि मैं थोड़ा फेल हो गया हूँ और शायद से एक ईयर पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये देखो रिजल्ट, और यार मुझे लग नहीं रहा कि पास करेंगे अब भाई, जो हो गया सो हो गया, मतलब अब ठीक है मॉम, जस्ट जो होगा अच्छा ही होगा मॉम, चिंता ना करिए सब ठीक हो जाएगा। और भाई जितनी भी मोटिवेशन यहाँ पे तुम्हें पहलनी ना पहल लो, फिर जो आंटी शुरू हुई ना भाई, तुम खुद देखो एक बार। तुम लोगों के खाते मारती रहेंगी जब देखो मेरे से, तू मुंह राजी करेगा ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, बता रही हूँ मैं तुझे, मार दूंगी मैं तुझे, बता दूंगी मैं तुझे। तुम खुद ही देखो, एक ही लाठी में पूरा सब पका गया है, तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया जो भी बात है। बता रही हूँ मैं तुझे, मेरे से ना ज्यादा बकवास मत कर जाना, चुपचाप बैठ जा इधर। तो मार क्यों रही हो? क्या खेलेगा तो भाई बस जिन लोग को आंसर जानना था ना कि उनके नंबर कम आए तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहेगा, देख लो यही होने वाला भाई तुम्हारा भी, और कुछ नहीं। देखो मजाक कर रहा हूँ, जो तुमने किया उसी के नंबर मिलने वाले, तो इसमें ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना तुम लोग कुछ कह सकते हो।
टेंशन हो रही है, लेकिन उसमें तुम कर भी कह सकते हो, जितना तुमने किया उतने तुमको मिलने वाला है, और ना ही तुम अब जाके इसको चेंज भी कर सकते हो। तो अच्छे अच्छे बहाने ढूंढो ना यार कम्युनिटी बना के कि हाँ भैया अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तर वो तुम्हारे ऊपर है, वो मैं तुम पे काम छोड़ रहा हूँ। फिलहाल के लिए जो मेन काम तुम लोगों को करना है, जाना है और उस वीडियो को लाइक करना है, 70 लाइक करवा देने यार इस वीडियो पे, और मुझे सिर्फ 10 सब्सक्राइबर चाहिए। और अगर तुम लोगों ने 10 सब्सक्राइबर भी इस पे करवा दिए ना, तो अपनी रोस्ट सीरियल की कम्युनिटी हो जाएगी 280 सब्सक्राइबर वाली। तो यार शेयर मारो, क्योंकि माहौल इस टाइम पे ना बड़े ही अजीब से हो रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब कर देना यार, ठोक देना, बूम बूम ठोक देना, ठीक है? और लाइक का बटन करके दबा देना, ठीक है? ठप करके दबा देना, तोड़ देना लाइक का बटन, और एक अच्छा सा कमेंट करो कि तुम्हारे भाई की वीडियो तभी तो चलेगी यार, तभी तो चलेगी। टाटा।